मैं नेपाल से हूँ। अच्छा, तो आप जम्मू वालों को क्या खिला रहे हो आजकल? आज हम आपको लाफिंग बना के खिलाएंगे। अच्छा जी, ये रेडी हो चुका है, अब हम इसे कट कर रहे हैं। आपने सुना था एक डिश है जो कि पहाड़ों पर मिलती है, और ये है इनका थुपका। थुपका, हाँ थुपका, शायद इसको थुपका की थुपका कुछ तो बोलते हैं। इसमें क्या क्या डाला है आपने? गोभी, प्याज है। लेयर कैसे बाहर आ रही है? ये फ्रिंग अनियन, सारी चीज़ें जो दीदी ने डाली है सामने दिख रही है। हम रोल करेंगे। कितने अच्छे तरीके से मैम इसको रोल कर रहे हैं। हेलो गाइस, यू आर वाचिंग द चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त बोले तो शिवमित सिंह। जैसा कि पता है आपको, चैटर बॉक्स की फूड मेट्रो जम्मू में घूम रही है, और देख लो आनंद नगर के बाद भी आ रही है, कनेक्टरी चल रही है, हाय बोड़ी की मेट्रो भी चल रही है। तो ऐसे पता चलता है कि हम जम्मू में हैं, और आनंद नगर की आवाज़ लगी तो आपको पता लगा कि हम तालाब तिलोकी लेन में हैं। तालाब तिलोकी लेन में एक विकास लेन जगह बढ़ती है। यहाँ पर मैं जम्मू वालों को बोलूँगा, एक बहुत ही अच्छी और फेमस डिश मिल रही है जो कहीं नहीं मिलती। इसका नाम है, क्या नाम था इसका? हाँ, इसका नाम है लाफिंग। लाफिंग हमें, मुझे जब मैंने पहली बार इसका नाम सुना लाफिंग, मुझे बोलता है लाफिंग कोई जोक वगैरह सुनाते होंगे ये, लेकिन अंदर कोई जोक नहीं सुनाता। एक डिश है जो कि पहाड़ों पर मिलती है, और ये हमें जम्मू में प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर वो आपको खाना है, उसके लिए आपको भी थोड़ा खतरों खिलाड़ी खेलना पड़ेगा, तो मेरे पीछे आ जाओ। ये देखो, वो है चॉपस्टिक फूड कॉर्नर, तो आ जाओ मेरे पीछे पीछे। तो ये देखिए, उसके लिए हमें पहले खतरों खिलाड़ी खेलना पड़ेगा। ये देखिए, इससे हमने पहले स्टेज पार कर ली, ये हम दूसरी स्टेज पार करके तीसरे पड़ाव पे आ चुके हैं हम, और उसके आगे आगे जाके ये आ गई है शॉप। ये देख सकते हो चॉपस्टिक फूड कॉर्नर। तो ये है इनका छोटा सा सेटअप, और इधर हमारी दीदी जी लगाते हैं लाफिंग थुपका। ऐसे तो चाइनीज़ हर आइटम यहाँ पर मिलती है। इन्होंने कितनी अच्छी डेकोरेशन की है यहाँ पर, ये सारा चीज़ देख लीजिए। और ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ये देखिए, जैसे ही आप इनको ऑर्डर देते हैं तो फ्रेश फ्रेश आपके मोमोज तैयार होंगे। एक दिन की चीज़ जो है वो दूसरे दिन इस्तेमाल नहीं होती यहाँ पे। तो गाइस ये देखिए कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो, देखिए भैया क्या इसमें क्या क्या डाला है आपने? गोभी, प्याज है, पनीर भी डालते हैं। गोभी, प्याज, पनीर। तो इसकी एक प्लेट मोमोज की क्या प्राइस का रहते हैं? 70 रुपीज़ वेज के। तो गाइस ये देखिए कितनी अच्छी स्टफिंग है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो बोलूँगा यहाँ पर आओ और खाओ। हेलो दीदी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पना है, और आप कैसे हैं? बस बढ़िया दीदी, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा दीदी, कहाँ से आप? मैं जम्मू से ही हूँ वैसे, क्या बोलते हैं, बट बेसिकली मैं नेपाल से हूँ। अच्छा, तो आप जम्मू वालों को क्या खिला रहे हो आजकल? आज हम आपको लाफिंग बना के खिलाएंगे। अच्छा ठीक है। ये जो ये लाफिंग की ये लेयर है जो इसका बेस है, इसके अंदर क्या क्या पड़ता है? इसमें सर ये ग्लूटेन और स्टार्च अलग अलग होता है। अच्छा। उससे ये बेस रेडी होता है। फिर इसकी जो ब्रेड होती है, नहीं ये जो बेस है ये रेडीमेड आता है या आप खुद? नहीं नहीं, ये हम खुद होममेड बनाते हैं। खुद होममेड जी, ये होममेड बेस है। ठीक है, तो गाइस ये देखिए, सबसे पहले इसमें हम ये इसकी चटनी है। आप स्पाइसी लेंगे या नॉर्मल? मैम बिल्कुल नॉर्मल। नॉर्मल, ओके। ये चटनी किसकी बनी है मैम? सर इसमें सेसमे सीड है, और आपका सेसमे सीड हो गया। ये क्या स्प्रिंकल क्या कर रहे हैं सर? सॉल्ट। सॉल्ट जी। ठीक है, ये कोई भी सॉल्ट है या कोई स्पेशल सॉल्ट है? नहीं सर, टाटा सॉल्ट। टाटा सॉल्ट, देश का नमक। बिल्कुल। तो ये देखिए टाटा सॉल्ट नमक इन्होंने डाल दिया। ये पानी डाला मैम आपने? सर नहीं, ये जिंजर गार्लिक का वाटर है हमारा जी। ये अपना ही है जी, ये होममेड जिंजर गार्लिक वाटर है। तो गाइस इनकी बॉटल देख लिए, उसमें जिंजर गार्लिक के आपको पीसेस मिल जाएंगे। तो गाइस ये देखिए, कितने अच्छे तरीके से। मैम ये क्या है? ये इसकी ब्रेड है। ब्रेड है जी, ये तो सोयाबीन लग रही है। ये सोयाबीन, जब ये ग्लूटेन और स्टार्च अलग हो जाता है ना, तो इसमें ये जो मैदे में से थोड़ा सा वो बच जाता है, ब्रेड बच जाता है ना। अच्छा, तो उसमें से फिर उसी को स्टफिंग में यूज करते हैं। ओके, तो मैम ये स्प्रिंग अनियन, ये स्प्रिंग अनियन जी। तो ये देखिए गाइस, ये इसमें हम फिल करते हैं साथ में, इसमें हम आपको वाई वाई फिल करके देते हैं। ये वाई वाई कहाँ से आई है आपकी? सर ये भी नेपाल की है। नेपाल, बट ये जम्मू में भी मिलती है हमारे। जम्मू में मिलती है। तो ये वेज वाई वाई है। अच्छा, देख सकते हैं आप इसको पैकेट को। हाँ, 100% वेज वाई वाई जी। तो हम इसे थोड़ा मैगी है ना मैम ये? हाँ जी, ये मैगी की तरह होती है। अच्छा, तो ये देखिए मैडम, और ये क्रश करके हम इस पे फिल करेंगे। वाई वाई फिल कर दिया हम। इस वाई वाई में मसाला ऑलरेडी होता है या आप डालते हैं? जी जी सर, मसाला ऑलरेडी होता है, इसके साथ टेस्ट मेकर भी दिया जाता है। अच्छा, ये चिली है और ये इसका पाउडर है, ये और फ्लेवर के लिए ऑयल है। अगर आप बना के खाना चाहें तो आप बना के भी खा सकते हैं इसे। ठीक है, और इसे हम रोल करेंगे। कितने अच्छे तरीके से मैम इसको रोल कर रहे हैं। बस मैम ये तैयार हो गया जी, ये रेडी हो चुका है, अब हम इसे कट कर रहे हैं। तो मैम जम्मू में कितनी देर से लगा रहे हैं आप?
सर अभी हमें 6 मंथ्स हो गए हैं। 6 मंथ्स हो गए जी। ठीक है, तो गाइस ये देखिए मैम का लॉफिंग रेडी हो गया है। अब मैम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। एक प्लेट ले ली है मैम ने, ये देखिए कैसे लॉफिंग रखी जा रही है। तो मैम मैक्सिमम आपको कस्टमर किसके आते हैं यहाँ पर? सर मैक्सिमम थोपा लाफिंग, मतलब मोस्टली उनको जो पसंद है। जम्मू में मुझे आप पहले ही हो जो आप ये क्रिएट कर रहे हो ये? जी थैंक यू। आपने कहीं से सीखा है मैम? सर ये होम हमने घर पे ही सीखा है। घर पे ही सीखा है? मम्मा से? हाँ जी मम्मा से सीखा है। तो गाइस ये देखिए, ये लीजिए आपका लाफिंग रेडिंग हो गया। तो गाइस ये आ गया है लाफिंग। तो आपकी लेयर कैसे बाहर आ रही है? ये फ्रिंग अनियन सारी चीज़ें जो दीदी ने डाली है सामने दिख रही है, बहुत ही सॉफ्ट है ये। गाइस जो इन्होंने वाई वाई की अपनी मैगी डाली है ना, उसका टेस्ट ही अलग है। और बाकी जो इसकी लेयर है इसकी बहुत ही सॉफ्ट लेयर है लॉफिंग की। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, अगर आप भी लॉफिंग खाना चाहते हैं तो आज ये तलापले रोड के पास विकास लाइन के साथ में इनकी दुकान है। सो गाइस ये है इनका थुपका, तुपका, हाँ तुपका शायद इसको तुपका के थुपका कुछ तो बोलते हैं, तो मैं उसको तुपका बोलूँगा। तो गाइस इसमें देखिए कितनी अच्छी वेजिटेबल्स डाली है इसने, नूडल्स भी हैं ये देखिए गाइस, भर भर के मात्रा है इसमें। और एक चीज़ और बता दूँ, इसकी क्वांटिटी जो आपने देखी है ये हाफ है, अभी हाफ इसकी क्वांटिटी है। और उसका MRP भी अगर आप सुनोगे तो आप बोलोगे तो कुछ पैसे ही नहीं है, 50 रुपये इसकी MRP है, 50 रुपये के सिर्फ। इतना देखिए क्वांटिटी देखिए, और वेजिटेबल्स और नूडल्स देखिए, शिमला मिर्च ये देखिए, ओनियन। सो गाइस अब हम इसको खाते हैं। ओह गाइस बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। इसमें जितनी भी वेजिटेबल्स मिली हुई है हर एक वेजिटेबल का फ्लेवर आ रहा है इसमें। गाइस बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है, तो मैं तो कहता हूँ इधर आओ और इनका ये थुपका ट्राई ज़रूर करो। बाकी आप ट्राई करके मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा इनका थुपका। मेन रोड से सामने इनकी दुकान दिखती है, चॉपस्टिक इनकी दुकान का नाम है, आइए और खाइए। और बाकी ये वीडियो के लिए देखते रहिए द चैटर बॉक्स। बाय बाय दोस्तों।